हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना फ्रॉम द फिजियो स्ट्राइक केयर एट नोएडा वेलकम करती हूँ आपका मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपको डिज़निया हो यानी कि ब्रेथलेसनेस, जो कि कोविड-19 में बहुत कॉमन है, तब आप डिफरेंट पोजिशन में कैसी रेस्टिंग पोजिशन में आ सकते हैं जिससे कि आपको सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होता है यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे उठ के बैठे, क्या करे कि जिससे कि उसको सांस लेने में तकलीफ कम हो। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो कुछ अच्छी पोजीशंस जो कि आपको हेल्प करेंगी अच्छे से ब्रीथ करने में, ताकि आप नॉर्मली सांस ले सकें और आप अच्छा फील कर सकें। हेलो व्यूअर्स, तो सबसे पहले जब भी आपको ब्रेथलेसनेस हो या सांस लेने में तकलीफ हो या फिर आपको कोविड हो चुका है तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बैठना है तकिए लगा। अगर आप बैठेंगे तो इस तरह से आपको एकदम स्ट्रेट नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है, थोड़ा सा पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। दिस इज योर लाइन, सेमी लाइन पोजीशन हम कहते हैं। नाउ अगर आप लेटना है तो आपको इस तरह से लेटना, तकिए अगर आपने लगाए हैं, एक तकिए आपको लगाना है, पांव को ऐसे मोड़ के और इस तरह से लेटना है। दिस इज पोजीशन इन बेड सिटिंग एंड लाइन पोजीशन। नाउ द अदर वन इज, आपको बैठना कैसे है। जब आप बैठेंगे तो स्टार्टिंग में जब आपको ब्रेथलेसनेस होता है तब आप सीधा नहीं बैठ पाते, इस तरह से आप नहीं बैठेंगे। अगर आप बैठते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको क्या करना है कि दो तकिए लेने हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तीन तकिए भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से थोड़ा सा झुकना है और डीप ब्रीथ, फर्स्टली ब्रीथिंग कंटिन्यू करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आपका सैचुरेशन वापस से नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज योर रिलैक्स पोजिशन इन सिटिंग वाइल इन डिस्निया। नाउ नंबर थ्री इज स्टैंडिंग। दोस्तों, जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं या फिर जब आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी ऐसी जगह है जहां आप एकदम से बैठ नहीं सकते, तो वहां पे आपको जब ब्रेथलेसनेस हो जाता है तब आप क्या करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप कोई भी सपोर्ट, चाहे वो लो सपोर्ट है या वॉल है, अगर लो सपोर्ट है तो इस तरह से ऐसे झुक के और डीप ब्रीथ लेना है। पर्स स्लिप ब्रीथिंग आपको हमेशा हेल्प करेगा। इस तरह से आपको झुक के लेना है, जितना आप ज्यादा झुक सके उसमें। नाउ थर्ड वन इज स्टैंडिंग। अगर आपका कोई वॉल आपके पास में है तब आप क्या, आपको इस तरह से ऐसे सपोर्ट लेना है वॉल का और ऐसे सपोर्ट लेना है। वॉल का सपोर्ट लेके आपको फर्स्ट ब्रीथिंग करना है इस तरह से। पर डोंट स्टार्ट ब्रीथिंग जस्ट एकदम से, जैसे ही वॉल के पास आए वैसे ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं कर देना, थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना अपनी बॉडी को। व्हेन यू फील बेटर तब आपको फर्स्ट ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग ब्रेथलेसनेस इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, दोज हु आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। मैं डॉक्टर मोना आपसे विदा लेती हूँ, मिलती रहूँगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोज़ के साथ।